morning children, this is your SST class. Hope you have to read that story which I have give you yesterday. And now today we will start from the first resource, that is land resource. Children, yesterday also I have told you that according to the climatic condition, the land fertility is different place to place. So do you know that land is the first important natural resource for the human beings, because we live on the land, we do agriculture on the land, we made the industries on the land which give the employment to the people. Matlab everything hum land par kar sakte hain, agriculture kar sakte hain और अपने घर बना सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ बना सकते हैं, एवरीथिंग वी हैव टू डू. तो इट मीन्स कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ एंड इट इज़ ओनली कवर्स अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया. तो इट कवर्स 30% टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस. तो 30% एरिया हमारा लैंड से कवर्ड है एंड इट इज़ सुटेबल फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द स्मॉल हैबिटेट ऑफ द परसेंटेज एंड इट मीन्स इट इज़ द हैबिटेट ऑफ द ह्यूमन बींग्स एनिमल्स. हैबिटेट मीन्स कि इट इज़ द शेल्टर, यानी लैंड पर फॉरेस्ट एरिया भी है हमारा, डेजर्ट एरिया ऑल्सो देयर, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो देयर, एग्रीकल्चर ऑल्सो देयर. तो इट इज़ फॉर द पीपल, इट हैव्स द पीपल, इट हैव्स द एनिमल्स. तो लैंड पर हर एक चीज़ कर सकते हैं. वी कांट लिव ऑन द वॉटर, हम पानी में नहीं रह सकते हैं. वी कैन लिव ओनली ऑन द लैंड. तो इट मीन्स इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ द अर्थ. तो दिस uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. So yesterday also I have told you that is the uneven distribution of the land. Uneven distribution means ki kahin par land zyada hai, kahin par kam hai, that is because of the population. One place the population is much there, so it means the land is also much there. अगर वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोगों की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो लैंड यूज़ ऑफ लैंड आल्सो बी मच देयर. तो उस लैंड को यूज़ भी, उस लैंड का जो यूज़ होगा वो भी ज़्यादा होगा. इट मीन्स कि दैट अकॉर्डिंग टू द लैंड एंड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन द पॉपुलेशन इंक्रीज. यहाँ पर पॉपुलेशन की बात हो जाती है कि अगर लैंड फर्टिलिटी ज़्यादा अच्छी है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन ज़्यादा अच्छा है, तो दैट द पीपल वॉन्ट टू लिव ऑन दैट प्लेस. Why they want to live at that place where the land and climate condition is good? Because the people wanted to grow the crops there, agriculture करना चाहते हैं, they wanted to make the industrialization जहाँ पर land अच्छा है, market अच्छा है, ये सब चीज़ें अच्छी हैं. एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑल्सो शुड बी देयर, कि इफ देयर इज़ कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, पहाड़ों पर लोग जाकर रहना पसंद नहीं करते हैं. दे वॉन्टेड टू लिव ऑन द प्लेन एरिया ऑन द लैंड. बाय Because there is good climatic conditions. It is suitable for growing every crop. It is suitable to live there. हर एक चीज़ वहाँ पर रहने के लिए suitable है. तो that's why land and climatic condition is based on the population. ये सब चीज़ें हमारी population को base करती हैं. तो that's why the rugged topography, steep slopes of the mountain, rugged topography also. It means rugged topography का मतलब होता है कि some place is plain area and somewhere is the माउंटेन एरिया. तो ये हमारी रग्ड टोपोग्राफी होती है, प्लेन्स और माउंटेन्स, वैलीज, ये सब चीज़ें. एंड स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, सेम थिंग. जो स्टीप स्लोप्स हैं हमारे, माउंटेन्स हैं, दैट इज़ ऑल्सो द लैंड. हम उसको लैंड भी बोल सकते हैं क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे टेरेस फार्मिंग की जा सकती है, माउंटेन्स पर लोग रहते भी हैं वहाँ पर. तो हम उसको एक वाटर में नहीं लेंगे, हम उसको किसी और चीज़ में नहीं लेंगे, एयर में नहीं लेंगे, दैट इज़ इन द लैंड. वो लैंड पर ही होगा अगर माउंटेन्स हैं. बट टोपोग्राफी चेंज हो जाती है, इट मीन्स इट इज़ नॉट द प्लेन एरिया, इट इज़ द माउंटेनियस एरिया. बट माउंटेन भी हमारा लैंड में ही गिना जाएगा. एंड लो लैंग एरियाज, ऐसे लो लैंग एरियाज हैं वेयर इज द लैंड इज़ नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स. एंड वाटर लॉगिंग एरिया, जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, गड्ढे होते हैं, ये भी एक हमारा लैंड का पार्ट है. डेजर्ट एरियाज, डेजर्ट एरिया है तो द डेजर्ट एरिया इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द लैंड. बट इन द डेजर्ट एरिया नो वन कैन लिव, नो वन कैन ग्रो द क्रॉप्स. तो वो एक हमारा एक ख़राब लैंड होता है डेजर्ट एरिया, बट इट इज़ ऑल्सो केम इन द लैंड रिसोर्स, लेकिन वो हमारे लैंड रिसोर्स में ही आता है. थिक फॉरेस्टेड एरियाज आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहैबिटेड. और हमारा एक थिक फॉरेस्टेड एरिया होता है, थिक फॉरेस्टेड एरिया जो बहुत घना जंगल है, तो देयर इज ओन दैट इज़ ऑल्सो केम इन द लैंड, बट वहाँ ह्यूमन बींग्स नहीं रह सकते हैं, दैट इज़ फॉर द वाइल्ड एनिमल्स.
वहाँ केवल वाइल्ड एनिमल्स ही रह सकते हैं. तो दीज टाइप्स ऑफ लैंड एरियाज वी आर हैविंग जिसमें ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सर्वाइव, जहाँ ह्यूमन बींग सर्वाइव नहीं कर सकते, जैसे डेजर्ट एरिया हो गया, थिक फॉरेस्ट एरिया हो गया, माउंटेन स्लोप्स हो गए, और वाटर लॉगिंग एरिया जहाँ गड्ढे होते हैं, पानी भर जाता है. तो दीज टाइप्स ऑफ लैंड एरिया ऑल्सो वी आर हैविंग, बट वी कांट लिव ऑन दैट. तो ओनली द 30% लैंड वी आर हैविंग ऑन विच वी कैन लिव, जिसे जहाँ हम रह सकते हैं, एंड विच इज सुटेबल फॉर द ह्यूमन बींग्स. तो दैट्स वाई दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड. बट कुछ हमारे ऐसे एरियाज भी हैं लाइक दैट प्लेन एरिया. प्लेन एरिया, प्लेन मीन्स कि जहाँ हम रह सकते हैं, वी कैन डू द एग्रीकल्चर, वी कैन मेक द इंडस्ट्रीज, वी कैन मेक अवर हाउसेज, तो दैट इज़ अवर प्लेन एरिया. तो इट इज़ द डेंसली पॉपुलेटेड. डेंसली पॉपुलेटेड मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं. क्यों रहना पसंद करते हैं? बिकॉज दिस प्लेन एरिया इज सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर, फॉर द लिविंग स्टैंडर्ड, फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, हर एक चीज़ के लिए हमारा जो प्लेन एरिया होता है वो सुटेबल है. तो दैट इज़ अवर लैंड. की इस तरह से हमारा जो लैंड है दैट इज़ डिवाइडेड, कि दैट सम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इज़ देयर जहाँ लोग रहना पसंद करते हैं विच इज़ प्लेन, एंड सम स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया लैंड एरिया जहाँ लोग कम रहना पसंद करते हैं, जो हमारा डेजर्ट एरिया है, माउंटेन एरिया है, और हमारा वाटर लॉगिंग एरिया और थिक फॉरेस्टेड एरिया. तो ये हमारे लैंड में ही इंक्लूड होते हैं, हमारे स्पार्सली पॉपुलेटेड और डेंसली पॉपुलेटेड. देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है लैंड यूज पैटर्न. तो अब जो हमारे पास लैंड है वो किस तरह से यूज किया जाता है लोगों के द्वारा. तो लैंड इज यूज इन द डिफरेंट पर्पज, एज द अभी मैंने बताया कि किन डिफरेंट पर्पजेज में यूज होता है. तो लैंड इज यूज इन द डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स मेकिंग एंड सेटिंग अप ऑफ द इंडस्ट्रीज. तो इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, हमारा जो लैंड है वो यूज़ किया जाता है. किन किन चीज़ों के लिए, अगेन आई एम रिपीटिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, मेकिंग हाउसेज, रोड मेकिंग, ऑल दीज थिंग्स वी कैन यूज द लैंड. एंड देन दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज. ये सब चीज़ हमारी क्या बन जाती है, दैट इज़ द लैंड यूज. हम किस तरह से अपने लैंड को यूज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर करके, हाउस बना के, रोड बना कर, और खेती करके, इन सब चीज़ों से हम अपने लैंड को यूज़ कर रहे हैं. बट कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच मंबाज एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड. क्या आप एक लिस्ट बना सकते हैं, यू मेक अ लिस्ट जिसमें मंबा और पीटर्स फैमिली अपने लैंड को यूज़ कर रहे हैं. मंबा जो मैंने कल स्टोरी बताई थी उसमें मंबा थी जो डिफरेंट टाइप अपना लैंड यूज़ कर रही थी. देन पीटर वाज आल्सो देयर, ही इज़ आल्सो यूजिंग हिज लैंड इन डिफरेंटली. तो यू राइट अ लिस्ट एंड यू डिवाइड द पार्ट ऑन द पेज. वन पार्ट यू विल राइट मंबाज लैंड यूज एंड सेकेंड पार्ट यू विल राइट पीटर्स लैंड यूज़. तो आप दोनों के लैंड यूज पैटर्न उसमें लिखेंगे अपनी कॉपी में. तो लाइक दैट वी कैन यूज़ अवर लैंड. द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाई फिजिकल फैक्टर्स, बट इसमें हमारे कुछ डिफरेंट फैक्टर्स भी होते हैं. टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स आर देयर इन विच लैंड इज यूज, फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स. तो वट आर द फिजिकल फैक्टर्स? फिजिकल फैक्टर्स मतलब जो हमारे हाथों में नहीं होते हैं, विच इज अकॉर्डिंग टू द नेचर, जो नेचर के अकॉर्डिंग है, दैट इज द फिजिकल फैक्टर, लाइक टोपोग्राफी, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. तो वेयर वी गेट द टोपोग्राफी, टोपोग्राफी में क्या आता है आपका, जिसमें हमारे जो मैंने अभी बताए थे, कहीं माउंटेन है, कहीं पर प्लेन्स एरिया है, कहीं डेजर्ट एरिया है, कहीं पर फॉरेस्टेड एरिया है, तो दैट इज़ नोन एज टोपोग्राफी. तो ये हमारा फिजिकल फैक्टर है कि अकॉर्डिंग टू द टोपोग्राफी, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन पीपल यूज़ द लैंड. अगर इफ़ द क्लाइमेट इज़ गुड तो पीपल वॉन्ट टू लिव देयर, पीपल वॉन्ट टू डू द एग्रीकल्चर देयर इफ़ द क्लाइमेट इज़ सुटेबल फॉर दैम. एंड देन मिनरल्स ऑल्सो, वेयर वी गेट द मिनरल्स, गुड मिनरल्स, वहाँ माइनिंग अच्छा किया जाता है, जहाँ पर मिनरल्स अच्छे होते हैं. तो माइनिंग के लिए कौन सा लैंड यूज़ करना चाहेंगे हमारे माइनर्स, जहाँ पर उनको मिनरल्स अच्छे मिलेंगे. देन अवेबिलिटी ऑफ वाटर, वेयर वी गेट द गुड अवेबिलिटी ऑफ वाटर्स, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, कैनाल्स, यहाँ जहाँ हमें गुड अवेबिलिटी ऑफ वाटर्स मिलेंगी, तो वेयर वी वॉन्ट टू लिव, वहाँ हम रहना पसंद करेंगे, उस लैंड को यूज़ करना पसंद करेंगे. इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो गुड देयर, वेयर द अवेबिलिटी ऑफ वाटर गुड इज़ गुड, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो गुड. तो दैट्स वाई वी वॉन्ट टू लिव ऑन दैट प्लेस जहाँ हमें ये फिजिकल फैक्टर्स अच्छे मिलेंगे, गुड टोपोग्राफी, गुड क्लाइमेटिक कंडीशन, गुड मार्केट, गुड मिनरल्स एंड गुड वाटर अवेलेबिलिटी. देन सम ह्यूमन फैक्टर्स, कुछ ऐसे ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं जहाँ लैंड यूज़
पैटर्न स्टार्ट होता है. ह्यूमन फैक्टर्स मीन सच एज द पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी इज द इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न. तो दैट वॉट आर द ह्यूमन फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स आर द पॉपुलेशन एंड द टेक्नोलॉजी. तो इट मीन्स वेयर द लैंड इज यूज मच मोर, वेयर वी गैट गुड टेक्नोलॉजी एंड गुड इंडस्ट्रियलाइजेशन. जहाँ हमें कौन सा हमारा लैंड यूज हो रहा है लोगों के द्वारा, वेयर द पीपल वॉन्ट टू लिव इन मच पॉपुलेशन, क्यों रहना चाहते हैं, बिकॉज दे गेट द गुड टेक्नोलॉजीज देयर. तो ह्यूमन फैक्टर्स कहाँ हुए, वेयर वी गेट गुड टेक्नोलॉजी, गुड फैसिलिटीज जहाँ हमें मिल रही हैं, गुड जॉब मिल रहा है, देयर वी वॉन्ट टू लिव. तो वहाँ का लैंड पैटर्न यूज हो रहा है वेयर वी गेट द गुड टेक्नोलॉजी, वेयर वी गेट गुड फैसिलिटीज, गुड इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, जॉब फैसिलिटीज, ऑल द फैसिलिटीज वेयर वी गेट. तो वहाँ का हमारा जो लैंड यूज पैटर्न है, देन इट इज़ बेस्ड ऑन द ह्यूमन फैक्टर. तो देयर वर ओनली द टू फैक्टर्स, वन इज द फिजिकल फैक्टर एंड सेकेंड इज द ह्यूमन फैक्टर, एंड बोथ द फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज द लैंड. दैट इज ऑल फॉर टूडे. आई विल गिव यू द पिक्चर ऑफ दैट टॉपिक्स एंड यू रीड दीज चैप्टर. थैंक यू.